वेलकम स्टूडेंट्स टू दी फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चुंबकीय बल और मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी कोई चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके अकॉर्डिंग केवल एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही जेनरेट होता है, लेकिन जब कोई चार्ज किसी भी वेलोसिटी से आगे बढ़ता है तब उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही उसमें क्रिएट होते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी है, चुंबकीय बल भी है। जब क्षेत्र है बल है तो इसकी दिशा भी होगी कि किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, किस डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इन दोनों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब अपने हाथ की जो अंगूठा है, थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर, इन तीनों को इस प्रकार रखेंगे ये तीनों आपस में एक दूसरे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तब ये जो हमारा फोर फिंगर है इट इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दर्शाती है। आई शो करती है, ये जो हमारे सेंट्रल फिंगर है ये शो करती है द डायरेक्शन ऑफ करंट, किस डायरेक्शन में करंट आपका आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से जो अंगूठा है ये दर्शाता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जो आपका थंब है इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेंट्रल फिंगर डायरेक्ट टुवर्ड द करंट। तो ये तीनों क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आपको इस तरह से निर्देश सकते हैं, आपको अंगूठा हुआ हमारा फोर फिंगर सेंट्रल फिंगर, ये थ्री डायमेंशनल है तो ये आउटसाइड जाएगी तो आपके ये करंट आई शो करता है, ये बी शो करता है एंड ये आपका फोर्स एफ शो करता है। इसी तरह से होता है हमारा राइट हैंड पाम रूल नियम। अगर हम अपने हथेली को इस तरह से फैलाते हैं तो ये जो हमारा अंगूठा है इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, अंगूठा हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट शो करेगा। अभी उंगलियां जिस तरफ आगे बढ़ रही हैं ये कहलाएंगे हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, एंड हथेली जो हमारी पाम है यह करेगी ऊपर की ओर पुश करेगी किसी भी ऑब्जेक्ट को, उस पर एक फोर्स क्रिएट करेगी। तब इन्हीं चीजों पर डिपेंड करता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। तो इसमें क्या कहते हैं हम कि देखिए हमारे पास कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखा हुआ है और इसकी लेंथ L है और जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है, तो इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा F, मैग्नेटिक फील्ड आपका ये रहा और करंट रिएक्शन आपकी इधर हो जाएगी I, इसमें एक I करंट फ्लो हो रहा है। तब हम ये जानते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है यानी आवेश दिया जाता है तो उसके अंदर जो कुछ होते हैं हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं। तब वो लॉरेंज के नियम से क्या हो जाता है, हमने पढ़ा है एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस वी वेक्टर। यहां पर क्यू क्या है, हमारा चार्ज हो जाता है,
वी इज द वेलोसिटी जिस वेग से जो चार्ज है किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है एंड बी वेक्टर इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब यहां पर जो मूवमेंट कर रहे हैं वो हमारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करेंगे हम, तो हम कह सकते हैं कि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला चुंबकीय बल तो F डैश इज इक्वल टू, वहां पर चार्ज क्या था, Q होता है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन तो E, वेलोसिटी B होती है ना बी डी, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी डी से मूवमेंट कर रहे हैं। V क्या हुआ हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा, क्योंकि ये जो हमारा कंडक्टर है कोई ना कोई एंगल थीटा बना रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड से। इक्वेशन नंबर वन। अब हम कहते हैं कि जो हमारे चालक की कोई लेंथ है एल है, तो इसकी यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एन है, तो हम कह सकते हैं चालक की एकांक लंबाई में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एन, एन हो गई। देन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो चालक में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कैपिटल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड द एंड, एन इज इक्वल टू वी, एंड हेयर वी इज इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू ए इंटू एल। एरिया क्या है हमारा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ए, एंड लेंथ क्या हो इसकी, कंडक्टर वायर की लेंथ हो गई। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता क्या कहता है आपका, वॉल्यूम क्या था, एन इज इक्वल टू ए एल। देन तब चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू F डैश इंटू N। ये क्या था हमारा अभ्यास, केवल एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये आ गए। तब हम क्या करेंगे, जो कंप्लीट जो रिलेटेड फोर्स होगा वो हो जाएगा F डैश इज इक्वल टू N। तो F डैश क्या है हमारे पास, F डैश है हमारे पास E V D V साइन थीटा इंटू N A L। तब क्या हो जाएगा, वैसे F इज इक्वल टू एन ई ए वी डी एल वी साइन थीटा, एन ई ए बी डी एल वी साइन थीटा। तो ये टर्म हमारे पास क्या होती है, हमारे पास ये टर्म होती है करंट I,
एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा और एफ इज इक्वल टू आई डॉट एल क्रॉस बी। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये वो फोर्स आ गया जो किसी कंडक्टर पर लग रहा है और जो कंडक्टर कहां रखा हुआ हमारा मैग्नेटिक फील्ड में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड मीन्स चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो स्टूडेंट्स हमने भी आपको बताया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है या फिर मोशन कर रहा है तब उसका कौन कौन से फोर्स वर्क होते हैं, करंट की डायरेक्शन क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है और जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तब उसकी मोशन किस तरह से होती है। तो देखिए सपोज कीजिए आपके पास कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर वे में एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स कार्य करता है क्या, एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा आता। जब परपेंडिकुलर वे में एंटर कर रहा है तो साइन नब्बे वैल्यू क्या हो जाएगा आपकी वन हो जाएगी। तो कंप्लीट फोर्स जो होगा वो होता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी इंटू वी। तो जब वो वी वेलोसिटी से एक मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर वे में एंटर करता है तब इस फोर्स के कारण क्या होता है वो पार्टिकल एक सर्कुलर वे में मोशन करने लगता है यानी कि एक वृत्ताकार पथ पर मोशन करने लगता है। जब वृत्ताकार पथ पर मोशन कर रहा है तब उसकी रेडियस हम मान लेते हैं आर प्लस क्यू चार्ज है हमारा और जब मोशन कर रहा है तो उसके हर पॉइंट पर क्या होगी एक डायरेक्शन वी होगी वेलोसिटी में। जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो सेंटर की ओर होगा तब इस फोर्स के कारण जब ये पार्टिकल सर्कुलर वे में मोशन कर रहा है तब इसके लिए एक सेंट्रीपेटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है जो इस लॉरेंज बल से प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं लॉरेंज बल इज इक्वल टू अभिकेंद्रीय बल तो क्या हो जाएगा ये क्यू वी वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। हियर एम इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल जो भी चार्ज पार्टिकल है क्या है उसका मास है। अब एक वाइज बी से ये भी कैंसिल आउट सो आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एम वी अपॉन क्यू वी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम कहते हैं कि इस पार्टिकल को पूरा एक चक्कर का जो परिक्रमण काल है वो इसका टी है तो हम कह सकते हैं कण का परिक्रमण काल तो क्या होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्पीड। तो टी इज इक्वल टू हमारे पास डिस्टेंस कितनी है इसकी सर्कमफेरेंस इक्वल है और सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल की 2 पाई आर अपॉन वी। अब क्या करेंगे हम समीकरण एक से आर का मान पुट कर देंगे तो टी इज इक्वल टू लिख लेंगे वाई इक्वेशन वन टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन वी इंटू एम बी अपॉन क्यू वी। तो यहां से वी कैंसिल आउट तो फाइनली हमारे पास टर्म बचेगी टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू इंटू वी।
तो स्टूडेंट्स ये क्या है हमारे पास, एक टाइम टेकन आ गया, तो कितने टाइम में अपना एक राउंड कंप्लीट करेगा। यहीं पर कह सकते हैं कण की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीट बाय एनी बॉडी इन वन सेकेंड। तो एक सेकेंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी आवृत्ति कहलाती है। तो हम कह सकते हैं इट इज द एन इज इक्वल टू वन अपॉन टी, जब टी की वैल्यू रखेंगे तो एन इज इक्वल टू हमारे पास आएगा क्यू वी अपॉन टू पाई एम, और इस आवृत्ति को ही हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन आवृत्ति। तो क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या पता लगा हमें कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो क्या करता है, इस सर्कुलर वे में मोशन करने लगता है। तो हमारे पास उस सर्कल की रेडियस भी आ गई, कितने टाइम में उसने अपना वन रोटेशन कंप्लीट किया वो भी आ गया, एंड कितनी फ्रीक्वेंसी है ये भी आ गई। ओके, थैंक यू गाइस।